हेलो फ्रेंड्स, इस लेसन में हम सीखेंगे कि नाउन क्या होता है। व्हाट इज अ नाउन? नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी कि नाउन वो वर्ड है जिसकी हेल्प से किसी हम पर्सन को, जगह को, एनिमल यानी कि जानवर को या किसी भी चीज को हम नाम दे सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लें यहाँ पर कि जॉन, डॉग, बिल्डिंग, पेन, बुक, ये सभी यहाँ पर नाउन है क्योंकि हमने जॉन एक लड़के का नाम दिया, जॉन, तो जॉन यहाँ पर नाउन है। डॉग, डॉग एक नाउन है। बिल्डिंग, बिल्डिंग एक चीज है तो बिल्डिंग एक नाउन है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे वर्ड्स जिससे हम किसी भी चीज को नाम दे सकते हैं, किसी पर्सन को, किसी चीज को, किसी जानवर को, तो हम उसे नाउन कहेंगे। जैसे हम यहाँ कहें कि एक लड़का है, उसका नाम जॉन है, तो जॉन उस लड़के का नाम है, तो जॉन वहां पर नाउन है। इस तरह से हम कहें कि शेर, बंदर, तो ये सभी क्या है? नाउन है। अब हम यहाँ पर कुछ नाउन के एग्जाम्पल्स लेते हैं। लाइक एक क्लासरूम है और हम क्लासरूम में बहुत सी चीजों को डिफाइन कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि क्लासरूम में कुछ बच्चे हैं, चेयर्स हैं, बोर्ड हैं, पेन हैं, पेंसिल्स हैं, तो हम सीखेंगे कि नाउन अब क्या होता है, यानी कि हम जानेंगे कि क्लासरूम में क्या क्या चीजें नाउन हो सकती हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया टीना, एमली, जो, डैक, जैक, ये सभी यहाँ पर किसी पर्सन के नाम है, तो ये सभी सेंटेंस में यानी कि ये सभी यहाँ पर नाउन है। इसी तरह से चेयर, बोर्ड, पेन, ये सभी चीजें हैं तो ये भी सभी यहाँ पर नाउन है। अब हम यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस के एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पर इन सेंटेंसेस में हम कैसे देख सकते हैं कि नाउन क्या होता है, या हम सेंटेंसेस में जब नाउन फाइंड कर रहे हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस में क्या नाउन है और क्या नाउन नहीं है। तो जैसे हमने यहाँ एक सेंटेंस लिया, योर नेम इज कीरा, तो यहाँ पर जो कीरा है किसी पर्सन का नेम है, तो हम कहेंगे कीरा इस सेंटेंस में नाउन है। तो यहाँ पर हम कीरा को अंडरलाइन कर देते हैं कि कीरा जो है यहाँ पर नाउन है। अब हम एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा कि नेपोलियन वॉज अ ग्रेट वॉरियर, तो हम कहेंगे कि नेपोलियन एक राजा था जो एक ग्रेट वॉरियर था, तो हमने कहा कि नेपोलियन एक पर्सन का नेम है, तो यहाँ पर नेपोलियन जो है नाउन है। इस सेंटेंस में नेपोलियन और वॉरियर दोनों ही किसी चीज को हमने नाम दिया, कि पर्सन को नाम दिया, उसकी क्वालिटी को नाम दिया, तो हम कहेंगे कि इन सेंटेंस में नेपोलियन और वॉरियर जो है एक नाउन है। इस तरह से हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया द सन शाइन्स ब्राइट, तो हम कह रहे हैं कि जो सन है वो शाइन्स है, शाइन ब्राइट, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में हम कहेंगे सन जो है वो एक नाउन है, यानी कि सन एक चीज है जो नाउन है। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस में नाउन फाइंड कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं, मेलबोर्न इज अ क्राउडेड सिटी, यानी कि मेलबोर्न एक शहर का नाम है जो कि बहुत भीड़ भाड़ वाला है, यानी कि हम कहेंगे कि मेलबोर्न एक शहर है जो कि बहुत भीड़ भाड़ वाला है, तो यहाँ पर सेंटेंस में देख रहे हैं हम कि यहाँ पर मेलबोर्न एक शहर का नाम दिया गया है, तो हम यहाँ पे इसे एक नाउन कहेंगे, और सिटी जो हम कह रहे हैं एक शहर भी एक नाउन है, तो हम मेलबोर्न और सिटी को एज अ नाउन लेंगे। इस तरह से हम अब जानेंगे कि नाउन कितनी तरह का होता है, यानी कि नाउन जो है वो अब हम कहेंगे नाउन तीन तरह का होता है, नाउन कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड प्रोनाउन। सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉमन नाउन क्या होता है, यानी कि कॉमन नाउन जब हम किसी चीज को कोई जनरल नेम देना होता है, जैसे किसका नाम है कॉमन, तो हम कहेंगे जब हम किसी चीज को जनरल नाम दें किसी पर्सन को, या किसी हम कहें पर्सन, मैन, विमेन, यानी कि हमने एक किसी पर्टिकुलर चीज को नाम ना देकर किसी ग्रुप को नाम दे दिया, तो हम वहां पे कॉमन नाउन का यूज करते हैं। जैसे कि अब हम कहें ये एक लड़का है, इसका नाम जो है, तो हम कहेंगे लड़का क्या हुआ, एक कॉमन नाउन हुआ। तो इस तरह से अब हम उसका नाम दे देंगे जूली या जो, तो हम कहेंगे कि जूली उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, तो जूली वहां पर प्रॉपर नाउन होगा। तो हम कॉमन नाउन के साथ प्रॉपर नाउन्स का भी यूज कर सकते हैं।
तो अब हम यहां पर देखेंगे कि कॉमन नाउन क्या होता है. कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ एग्जाम्पल लेंगे लाइक पेंस, एम्प्लॉयज, मेन, विमेन. अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर उसको नाम नहीं दिया, एनिमल्स, मेन, पूरी जाति का नाम लिया है मेन, विमेन. यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मेन आर लाफिंग एट मी या विमेन आर लाफिंग एट मी, मेन आर गोइंग टू देयर ऑफिस. यानी हमने यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन को नाम नहीं दिया, पूरी जाति का नाम लिया है कि विमेन. विमेन आर लाफिंग एट मी, इट मीन्स यहाँ पर विमेन जो है वो कॉमन नाउन है. मेन आर गोइंग टू देयर ऑफिस, तो यहाँ पर जो मेन है यानी कि एक पर्टिकुलर मैन नहीं, मेन, तो हम कहेंगे कि मेन जो है वो एक कॉमन कॉमन नाउन है. इस तरह से जो है ये सभी कॉमन नाउन है. माई पीसी, माई सेल फोन, माई वॉलेट, माई कार. तो जब भी हम किसी जनरल चीज को नाम देते हैं तो हम उसे कॉमन नाउन कहेंगे. कॉमन नाउन जो है वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं, यानी कि ऐसे नेमिंग वर्ड्स जिनकी हेल्प से आप काउंट कर सकते हैं. यानी हम कहें एक लड़का, दो लड़के, तीन लड़के, तो इन्हें हम काउंट करने के लिए हमें किसी क्वालिटी मेजर्स की आवश्यकता नहीं है, यानी कि जरूरत नहीं है. हम सिर्फ ये कह सकते हैं एक, दो, तीन, तो हम इन्हें इजीली बिना क्वांटिटी मेजर्स के हेल्प कर यानी कि काउंट कर सकते हैं. क्वांटिटी मेजर्स क्या होते हैं, जैसे कि हम कहें मीटर्स, किलोमीटर, लीटर, किलो, इन सभी को हम क्वांटिटी मेजर्स कहते हैं. तो अब नेमिंग वर्ड्स जिनकी हेल्प से हम सिंपल यानी कि एक, दो, तीन की हेल्प से जिन्हें हम काउंट कर सके, तो वो काउंटेबल नाउन्स कहलाएंगे. अब कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं या ऐसे नेमिंग वर्ड्स कि जो हम काउंट नहीं कर सकते. जैसे हम ये कह सकते हैं कि हम एक, दो, तीन की हेल्प से उन्हें काउंट नहीं कर सकते. हम कहेंगे मिल्क, वाटर, कॉफी. यानी कि हम ऐसे नहीं कर सकते एक मिल्क, दो मिल्क, तीन मिल्क, नो. हम ऐसे कह सकते हैं वन ग्लास ऑफ मिल्क, वन लीटर ऑफ मिल्क. तो हम यहाँ कहेंगे कि जो इस तरह से है वो सभी अनकाउंटेबल प्रॉपर नाउन्स हैं, यानी कि कॉमन नाउन्स हैं. अब हम आएंगे प्रॉपर नाउन पे, यानी कि प्रॉपर नाउन क्या होता है. प्रॉपर नाउन जैसे कि इसका नाम रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉपर, तो जब हम किसी पर्सन को, किसी थिंग को या किसी एनिमल को पर्टिकुलर नेम दे देते हैं, यानी टाइगर, लायन, मंकी, जूली, जो, तो हम कहेंगे कि हमने उस पर्सन को या एनिमल को एक प्रॉपर नाउन दे दिया है, तो हम उसे प्रॉपर नाउन कहेंगे. अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और अ प्लेस. अ प्रॉपर नाउन बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. नाउ प्रॉपर नाउन तब होता है जब हम किसी खास व्यक्ति को, जगह को या चीज को कोई नाम दे देते हैं, तब हम उसे प्रॉपर नाउन बोला जाएगा. और उनकी शुरुआत जब भी हम लिखने के लिए करेंगे तो कैपिटल लेटर से होती है, यानी कि आप बड़े अक्षर से उसे लिखना शुरू करेंगे सेंटेंस में. अब हम यहाँ पर प्रॉपर नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि रैंडी इज माई बेस्ट फ्रेंड. रैंडी जो है एक नेम है, यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम है जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि रैंडी इज माई बेस्ट फ्रेंड. तो हियर रैंडी इज अ प्रॉपर नाउन. मेलबॉर्न इज द कैपिटल ऑफ माई कंट्री. तो यहाँ पर जो कंट्री यानी कि जो कैपिटल है वो है मेलबॉर्न, जो कि कंट्री की, किसी भी देश की जो हम कह रहे हैं मेरी कंट्री की जो कैपिटल है वो मेलबॉर्न है. तो हमने यहाँ पर कैपिटल को शो किया है कि जो मेलबॉर्न है वो ही मेरी कंट्री की कैपिटल है, तो एक पर्टिकुलर नेम दे दिया. तो मेलबॉर्न, इसीलिए हम कहेंगे कि जो मेलबॉर्न है वो एक प्रॉपर नाउन है. इसी तरह से लंदन, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, जब भी हम किसी चीज को कोई पर्टिकुलर नाम दे देंगे तो हम उसे एक प्रॉपर नाउन के अंडर रिप्रेजेंट करेंगे. प्रोनाउन के बारे में, यानी कि प्रोनाउन क्या होता है. जब हम किसी भी सेंटेंस में किसी एक नाम को या किसी चीज को बारी बारी रिपीट करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया, एलिस इज अ गुड गर्ल, एलिस इज अ हार्ड वर्किंग गर्ल,
एलिस इज गुड एट लर्निंग। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम बारी बारी हर सेंटेंस में एलिस 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 रिपीट कर रहे हैं, यानी कि हमने यहाँ पर एलिस को 3 टाइम रिपीट किया। तो इस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, यानी कि जो यहाँ पर एलिस एक नाउन है, इस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम वर्ड्स का यूज करते हैं और उन वर्ड्स को हम प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पर इसे थोड़ा सा रिफाइन करते हैं। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं, एलिस इज अ गुड गर्ल, शी इज अ हार्ड वर्किंग गर्ल, शी इज गुड एट लर्निंग। अब आपने देखा कि किस तरह से हमने यहाँ पर एलिस को शी से रिप्लेस कर दिया है, यानी कि हम बारी बारी एलिस नहीं लिख रहे, हमने एलिस की जगह यहाँ पर शी कर दिया। तो शी इज अ प्रोनाउन, यानी कि शी प्रोनाउन है। अब हम ये कह सकते हैं, अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी कि वो वर्ड्स जो नाउन को हटाकर उनकी जगह पर आ जाते हैं, उन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं। अब हम इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास बहुत सारे प्रोनाउंस हैं, हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रोनाउन हम यूज कर सकते हैं। लाइक ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू, हिज, हर, ये सभी जो हैं वो प्रोनाउंस हैं। अब हम प्रोनाउंस की हेल्प से कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे। लाइक माई नेम इज एडवर्ड, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। मेरा नाम एडवर्ड है एंड आई एम प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पर जो आई है वो यहाँ पर प्रोनाउन है। इसी तरह से हम एक और सेंटेंस बनाते हैं यहाँ पर, लाइक डेविड हैव यू कम्प्लीटेड योर प्रोजेक्ट, यानी कि डेविड, यू इज अ प्रोनाउन। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जो गोज टू स्कूल, ही गोज बाय बस, यानी कि जो ही है वो इधर जो को रिप्लेस कर रहा है, तो ही इज अ प्रोनाउन। इस तरह से हम जो है प्रोनाउंस की हेल्प से सेंटेंसेस जो है वो इजीली क्रिएट कर सकते हैं और रिपीटेशन से बच सकते हैं। लुइस हैज अ टॉय, ही इज प्लेइंग, तो यहाँ पर ही जो है वो प्रोनाउन है। इस तरह से हम नाउन को हटाकर प्रोनाउंस का यूज कर सकते हैं। थैंक यू।